आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न इस प्रकार है। जलीय विलयन में आयनिक गतिशीलता का अनुक्रम है, ठीक है। शुरू करते हैं हम यहाँ पे। देखिए, जब हमारा आयनिक गतिशीलता देखने के लिए, देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, आयनिक गतिशीलता ये क्या होता है हमारा। देखिए, अगर ये हमारा बढ़ेगा तो जो हमारा जलयोजन जो कि त्रिज्या होगी वो क्या होगा हमारा, घटेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो आयनिक गतिशीलता होगा जलयोजन त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जलयोजन की त्रिज्या बढ़ेगा तो हमारा आयनिक गतिशीलता क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा यहाँ पे जलयोजन त्रिज्या होता है, जलयोजन त्रिज्या ये हमारा समानुपाती होता है यहाँ पे आवेश घनत्व के, ठीक है, आवेश घनत्व के। और यहाँ पे ये व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेश बटे क्या, आकार, ठीक है, आकार के व्युत्क्रमानुपाती और आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा ये चार हमारे पास आयन दिए हुए हैं, ये एक ही समूह के हैं। ये समूह देखिए हमारा, ये ऊपर से नीचे इस तरह से जाएंगे, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, अगर इस तरफ जाएंगे तो आकार हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, आकार बढ़ेगा ऊपर से नीचे जाने पर। देखिए, अगर हम आकार देखें, आकार तो किसका सबसे ज़्यादा आकार होगा इसमें, CS प्लस का होगा, फिर यहाँ पे किसका होगा, इसके बाद RB प्लस का होगा, ठीक है, RB प्लस का, फिर किसका होगा, K प्लस का होगा, फिर किसका होगा, सोडियम प्लस का होगा, ठीक है। ये हमारा आकार का क्रम हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद हम देखिए, अब आवेश देखिए, सब पे आवेश तो एक बराबर है, ठीक है, तो आवेश से हम लेंगे नहीं, आकार से ले लेंगे। तो अब देखिए, जलयोजन की त्रिज्या की अगर हम बात कर लें, जलयोजन त्रिज्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, सोडियम प्लस का हो जाएगा, फिर के प्लस का हो जाएगा, फिर आरबी प्लस का होगा, फिर सीएस प्लस का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि आयनिक गतिशीलता जो होगा जलयोजन त्रिज्या के क्या होता है हमारा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जलयोजन त्रिज्या बढ़ेगा तो आयनिक गतिशीलता क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो आयनिक गतिशीलता क्या हो जाएगा हमारा, आयनिक गतिशीलता अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा यहाँ पे, CS प्लस का, फिर RB प्लस का, फिर K प्लस का, फिर सोडियम प्लस का, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, सही क्रम है। अब हम यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं। देखिए, विकल्प हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है, चौथा विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा CS प्लस का, फिर RB प्लस का, फिर K प्लस का, फिर NA प्लस का, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।